भाभी, वो वाजिद भाई की बीवी आई थी, बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने कुछ बात करनी थी आपसे, लेकिन उस वक्त आप सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कौन वाजिद? भाभी, वही जिन्होंने एक वक्त में आप लोगों से शायद कर्जा लिया था। ओ, तुम उनकी तो नहीं बात कर रहे जिनकी बेटी की शादी थी और उनकी बेटी ब्याह कर लाहौर गई है। जी, वही भाभी, वो कह रही थी कि जितना कर्जा उन लोगों ने आपसे लिया है उसके पैसे तो वो पूरे कर चुकी हैं, लेकिन सूद की रकम खत्म ही नहीं हो रही है। तो दरख्वास्त लेकर आई थी वो कि आप भाई से बात करें कि वो सूद की रकम को खत्म कर दें। देखो सायरा, ये सब रिजवान के कारोबारी मामला है और उनमें मैं दखल अंदाजी नहीं करती। ये उनका जाती मसला है, उनसे बोलो जो भी बात करनी है वो रिजवान से करें। भाभी, वो बहुत परेशान है और शायद बीमार भी हैं, और अब उनके मियाँ की वो आमदनी नहीं रही। आप मुझे खुद बताइए वो पैसे कैसे वापस करेंगी। भाई ये सब मुझे नहीं पता, ये तो उन्हें रकम लेने से पहले सोचना चाहिए था। भाभी, लेकिन जो कर्जे की रकम है वो तो आप लोगों को लौटा चुकी हैं वो। कर्ज की रकम वापस कर दी है उन्होंने, लेकिन सूद अभी बाकी है। रिजवान ने रकम देते हुए उन्हें क्लियर बता दिया था कि इस पर 10% लगेगा, और उस वक्त वो बड़ी खुशी खुशी ले गई थी। हमने उनसे कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रखी है जो वो अब रोना पीटना मचा रही है। मगर भाभी, आप उनके हाला देखो सायरा, मुझसे बहस मत करो, जो भी बात करनी है तुम्हें रिजवान से करो। लेकिन तुम तो जानती हो ना, आजकल हमारे भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। बाहर की पढ़ाई काफी महंगी है, यहाँ से 10 गुना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई महंगी है, तुम जानती हो ना। हर महीने उसे एक भारी रकम भेजनी होती है हमें। और फिर सायरा, ये सब रिजवान सिर्फ फहादी के लिए तो कर रहे हैं, एक ही तो बेटा है हमारा। मेरी मानो तो उबैद को भी तुम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेज दो, वहां की डिग्री की बहुत वैल्यू है। जी, चलती हूँ भाभी।